वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल अब्दुल्ला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे मैं लेके आई हूँ झटपट सी मज़ेदार सी एक रेसिपी, वेजिटेबल राइस। आप देख सकते हैं इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और जो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, ये देखने में अच्छी हैं और पकाने में उसे बहुत इजी हैं और खाने में ज़बरदस्त है, कमाल का इनका टेस्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कि आपके स्किप करने से आप कुछ पार्ट ऐसे मिस कर दें जो आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जो आपके राइस को बगैर फूड कलर के बहुत ही ज़बरदस्त बना सकती है। ये देखें जी, इनका कलर कितना ज़बरदस्त है। इनमें मैंने बगैर फ्रूट कलर के इसमें एक ऐसी चीज़ डाली है जिनसे ये इतने ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। तो इसलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की जानने। इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप ऑयल और ये थोड़ा सा गर्म हो ले। इसमें हम थोड़ा सा हरा लहसुन, जिसको करेंगे हम थोड़ी देर सौते कर लेंगे, हाथ से बांध लेंगे। हल्के से सौते हो चुके हैं, आप इसमें डालूंगी एक अदर टमाटर, जिसको मैंने देख सकते हैं तो मैंने फेस से रेडी कर लिया है। अब ये डालेंगे इसमें हम, साथ ही इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक का पेस्ट, इसको भी उधर फ्राई करेंगे। साथ ही मैं डाल दूंगी अपने वेजिटेबल्स, मैंने हाफ कप लिए हैं मटर और हाफ कप मैंने गाजर, उसको मैंने ब्रीक भी कर मैंने काट लिया है। गोभी यहाँ मैंने पीस की हुई थी, मैं थोड़ी सी लिया, और दो भी मैंने लिए हैं आलू, जिनको मैंने बड़ा काट लिया। इसमें सारी चीज़ें मैं करूँगी ऐड, ये हो गई इसमें सारी चीज़ें ऐड। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, तो पहले मैं इसको करूँगी अच्छी तरह से फ्राई, मतलब कि एक मिनट तक इसको मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद में मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, तो आप देखिएगा मैं कौन कौन से इसमें मसाले ऐड करती हूँ। तो ये बहुत ही मज़े के वेजिटेबल राइस बन के तैयार हो जाएंगे, तो आप लाजमी एंड तक मेरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, आप डालते हैं मसाले। हाफ चम्मच यहाँ मैं डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च, साथ में इसमें डालूँगी एक चम्मच नमक, आप अपने हिसाब से ज़रूरत जितना चावल करते हैं उतना डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चम्मच ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक कप चावल लिए थे उसमें एक चम्मच काफ़ी होंगे। अगर थोड़ी कमर पेश लगेगी तो मैं लाजमी आपको चेक करके दिखाऊंगा मैं कैसे चेक करती हूँ, और फिर हम उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। साथ में शामिल कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला लिया था तो वो शामिल कर रही हूँ, साबुत लिया मैंने। ये बहुत ही मज़े के टेस्टी बनते हैं, क्योंकि आज मुझे समय नहीं आया क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि सारी वेजिटेबल तो घर में मौजूद हैं, तो चलो वेजिटेबल राइस बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने वेजिटेबल को कर दिया फ्राई, 5 मिनट तक फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें डालूँगी पानी। यहाँ पे मैंने चावल कर लिए थे अपने 1.5 कप, मैंने 1/2 कप, तो उस हिसाब से मैंने इसमें डाला है 3 कप पानी। थोड़े से सारे साइड पर जो मसाले लेंगे उसको हम नीचे पानी में से करके तो उसको कवर कर देंगे। जब उसमें बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल शावल कर लेंगे, कर देंगे हम कवर, तो जब बॉयल आता है तो फिर हम आपसे मिलते हैं। चले जी, अब आ गया हमारे चावलों को बॉयल, और सॉरी पानी डाला था मैं बैठे उसको बॉयल आ चुके, तो मैंने अपने चावलों को भी रोक कर रख दिया हुआ था 5 मिनट पहले। मैं जैसे बनाती हूँ मैं वैसे ही वही आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने 5 मिनट पहले इनको भी रोक के रख दिया हुआ था, जब मैंने पानी डाला उससे पहले मैंने चावलों को धोया, फिर मैं यहाँ पे पानी डाला, उतनी देर देखिएगा कितने ज़बरदस्त से चावल रेडी हो जाएंगे। अब करते हैं इसको मिक्स। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, अगर आपके पास फूड कलर ना हो तो एक ऐसी चीज़ है जो आप डालेंगे तो आपका ज़बरदस्त कलर, जैसे हम लोग देखते हैं शादी पे जाएं तो वहाँ पे जो वेजिटेबल राइस होते हैं उनका कलर कितना लाइट सा होता है, तो वो कौन सा फूड कलर डालते हैं, तो जो सब कलर डालते हैं आज मैं वो आपसे शेयर करूँगी ट्रिक, तो आप लास्ट में एंड तक देखिए, क्योंकि वो एंड पर ही जाकर डालेंगे। तो अभी यहाँ पर इसका पानी खुश्क होता है थोड़ा सा, तो तब तक इसको कवर करते हैं, जब तक ऐसा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं डालूँगी 3 हरी मिर्चें, और यहाँ पे साथ मैंने नींबू फ्लेक कटे हुए थे ये शामिल कर दूँगी, और यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी के अंदर पानी,
ये को भी डाल के चेक करें, इतना ज़बरदस्त कलर आएगा जैसे हम लोग शादी पर जाके खाते हैं वैसा। तो उसको कर देंगे हम कवर, 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 15 मिनट गुजर चुके हैं, अब इसको हम करते हैं ओपन। माशाल्लाह देखें जी, ज़बर से हमारे वेजिटेबल राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी, ऐसे ही आप शादी पे अक्सर देखते होंगे वेजिटेबल राइस बनते होंगे, उनका यही कलर होगा। अब इसको मैं करती हूँ डिश आउट, डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे वेजिटेबल राइस कैसे कैसे मज़े मज़े के तैयार हो चुके हैं। सब मैंने डिश आउट कर चुकी हूँ, ज़बर से वेजिटेबल राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी और मज़े के ये राइस बनते हैं, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे फीडबैक भी दीजिएगा और लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ मेरी रेसिपी को लाजमी शेयर कीजिएगा। आप अगर गेस्ट आ जाएँ एकदम से या आपके पास कुछ बनाने को नहीं है, तो ये एकदम से आप फटाफट से रेडी कर सकते हैं। एक आधे घंटे में आपके ये वेजिटेबल राइस बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, और लाजमी ट्राई कीजिएगा। और जो जो मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलें जी, अब इसको मैं चेक करती हूँ और चेक करके आपको उसका टेस्ट बताती हूँ कि कितने ज़बर से ये तैयार हुए हैं, क्या टेस्ट है इनका। ज़बरदस्त चावल हमारे रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं चलती हूँ, जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी फिर मिलूँगी आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।